सर सीरीज और सिक्वेंशियल और कंसिक्यूटिव रिएक्शंस, और कंसिक्यूटिव रिएक्शंस ये नोट कर लेना, सीरीज और सिक्वेंशियल और कंसिक्यूटिव रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट देगा और वो प्रोडक्ट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करके आगे भी प्रोडक्ट देगा। तो हम इसमें ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, हम मानेंगे ए है जो के वन की स्पीड से बी दे रहा है और बी जो है के टू की स्पीड से सी दे रहा है। डाउट तो नहीं किसी को? नहीं। तो ये है, अब इसमें ग्राफ तो मैं ही बना के फिर अप कर दूंगा। ग्राफ क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन सी नहीं है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ग्राफ ए तो हमेशा डिक्रीज करेगा, ए हमेशा डिक्रीज करेगा, बी जो है ये बढ़ेगा भी और कम भी होगा, बढ़ेगा भी और कम भी होगा, और सी सिर्फ बढ़ेगा। सी क्या करेगा, सिर्फ बढ़ेगा। समझ आ गया कि नहीं है? ये ए, ये बी और ये सी। ये ग्राफ सबको क्लियर है इसका, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का? यस सर। अब हमें इसमें, अब इसमें बताओ, तुम्हें, तुम खुद बताओ इसमें क्या क्या निकालना होगा सर। टाइम मैक्स निकालना होगा, बी जब मैक्स होगा वो निकालना होगा, मतलब मैक्सिमा निकालना होगा इसका, और ए की कंसंट्रेशन। ये तीन तो होगा ही होगा, ए और बी और सी की कंसंट्रेशन होगा कि नहीं है? यस सर। टाइम एट व्हिच बी इज मैक्स, हाँ बी मैक्सिमम होगा वो निकालना है, और टाइम मैक्सिमम जो होगा वो निकालना है। मतलब सर बी की ग्राफ का मैक्सिमा निकालना है ना, बी का मैक्सिमा निकालना, हाँ टी मैक्स निकालना। कोई डाउट, समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। अब मैं इसमें सारा रब कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। अब ध्यान देना है यहाँ पे डेरिवेशन, डेरिवेशन देखो, पहले तो माइनस, ये ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, कोफिशिएंट भी आ सकते हैं। क्या निकालना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में कराएगा, इवन नीट के पेपर में, नीट के यानी मेडिकल के पेपर में आया हुआ है, टी मैक्सिमम निकालना आता है जरूर। टी मैक्सिमम जो बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, वन बाय के वन माइनस के टू और एल एन के वन बाय के टू, बस ये फॉर्मूला है इसका। एल एन है तो ध्यान रखना 2.303 बाहर आएगा, एल एन है तो ध्यान रखना 2.303 बाहर आएगा, ये जरूर याद कर लेना। यही पूछते हैं क्योंकि सबसे इजी फॉर्मूला है, निकालना इजी है, बस के वन के टू की वैल्यूज चाहिए। समझ गए कि नहीं है? समझ आई बात कि नहीं? चलो अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। ए निकालना बहुत सिंपल, माइनस डी ए बाई डी टी, ध्यान देंगे माइनस डी ए बाई डी टी, के वन इंटू ए होगा, माइनस डी ए बाई डी टी के वन इंटू ए होगा। इधर से मैं ए डायरेक्ट लिख दूं कि ए आएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के वन टी। डाउट किसी को? ए आएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के वन टी, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब ये आ गया, अब मेरे को मेनली निकालना है बी। ये मैं यहाँ पे मैंने जैसे पीछे निकाला था पैरेलल रिएक्शन में, तो ए आया था ए नॉट ई की पावर माइनस के टी आया था, और के था के वन प्लस के टू, यहाँ पे के वन टी आया। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब बी तो डायरेक्टली निकल नहीं सकता क्योंकि बी ए से बन भी रहा है और सी में खत्म भी हो रहा है, ये लाइन हटा रहा हूं यहां से। अब डी बी बाई डी टी क्या होगा? ए तो वन ए माइनस के टू बी, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है क्योंकि वो ए से बन रहा है और के वन की स्पीड से, ए से बन रहा है के वन की स्पीड से, फिर सी में खत्म भी हो रहा है के टू की स्पीड से, इसलिए माइनस के टू बी, माइनस के टू इंटू बी। समझ आ गया? यस सर। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब ये है, तुम सबको पता है, तुमने पढ़ा होगा अगर मैथ में हो गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन डीबी बाई डी टी इक्वल टू डीबी बाई डी टी प्लस के टू इंटू बी। नहीं हुआ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं हुआ सर। के वन ए, ए तो तुम्हें पता ना, ए नॉट ई की पावर माइनस के वन टी है। लेकिन सर इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने जरूर बताया था, वो पता है। अच्छा तो ये वाली इक्वेशन समझ आ गई इतनी? यस सर। अब ये क्वेश्चन है dy by dx plus py is equal to q, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ दिस फॉर्म, और इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होता है
वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है q इंटू ई की पावर पी डी एक्स डी एक्स. ये पूरा है, ये इसका सॉल्यूशन है डायरेक्ट. ये पढ़ा हुआ है क्या तुमने? नहीं पढ़ा हुआ है. नहीं सर, ये नहीं पढ़ा सर, बस वीडियो में ये देखा था सर. अच्छा वीडियो में देखा. ये तुम्हारे कोर्स में पक्का होगा क्योंकि 12th क्लासेस सिलेबस में है ना टॉपिक ये डिफरेंशियल इक्वेशन. हां सर, चैप्टर तो है सर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन सर वो इंटीग्रेशन के बाद एरिया अंडर कर्व के बाद आएगा. वो बाद आएगा तो कुछ होता ये इस टाइप का इसका सॉल्यूशन होता है. कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म की है dy / dx + py इज इक्वल टू q, q यहां पे कांस्टेंट है, तो इसका इसका जो सॉल्यूशन होता है वो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx या dt कुछ भी है ये होता है. तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूं. कोई दिक्कत तो नहीं है? डायरेक्ट लिख दूं सॉल्यूशन अब इसका? यस सर. नहीं सर, नहीं है. ये हटा दिया मैंने, ये मैंने सब बता रखा है वीडियोस के अंदर, वो तुम देख के रिवीजन की होगी सब में. तो y b है यहाँ पे, b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर k2 t आएगा, k2 dt आएगा, तो k2 dt को मैं लिख रहा हूँ k2 t. कोई डाउट? नहीं सर. तो ये आ गया. नेक्स्ट आया k1 अब q, k1 a0 e की पावर माइनस k1 t, k0 और a0 e की पावर माइनस k1 t साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर k2 t dt और इसको इंटीग्रेट करना है. लिमिट्स कौन सी लेकर? 0 से t, टाइम है ना, तो 0 से t की. तो b इंटू e की पावर k2 t इज इक्वल टू k1 a0 और ये e की पावर k2 माइनस k1 लिख दूं इसको यहां हटा के e की पावर k2 माइनस k1 लिख दूं कि नहीं? यस सर. हाँ ये आ जाएगा e की पावर k2 माइनस k1 t. तो k1 a0 e की पावर k2 माइनस k1 t लिमिट्स 0 से t अपॉन में k2 माइनस k1. तो b e की पावर k2 t इज टू k1 a0 by k2 minus k1 e की पावर k2 minus k1 t minus 1 e की पावर k2 minus k1 t minus 1. समझ आ गया कि नहीं यहाँ तक लिमिट्स पुट करने के बाद? यस सर. अब b आ गया से डायरेक्ट e की पावर k2 t से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दो तो b कितना आ गया? k1 a0 upon में k2 minus k1 e की पावर minus k1 t माइनस ई की पावर माइनस के टू टी. कोई डाउट? ये होगी डेरिवेशन खत्म बी की. ये ऐसे ही कराई मैंने वीडियोस में कि नहीं? ये सर ऐसे ही कराई सर. कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ आ गया होगा सबको? ये कंसेप्शन बी निकाल लिया. ये तुम ना तुम दो बार लिखने के बाद ना मन में बोलो, तुम सब कर लोगे आराम से. दो बार लिखने के बाद मन में बोलोगे ना डेरिवेशन कर लोगे अपने आप. डेरिवेशन करके ही अच्छे क्वेश्चन निकल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे. जिसको एडवांस की तैयारी करनी है, नीट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, जिसको कुछ भी नहीं छोड़ना, जिसको लगता है मेरे को सब कुछ करना है, तो फिर वो करना, नहीं तो मत करना. समझ गए कि नहीं? यस सर. चलो अभी यहां तक किसी को कुछ पूछना है इसमें? बी निकल गया ना, आगे तो ज्यादा दिक्कत आनी नहीं. बी आ गया. अब उसके बाद बी अगर मेरे को निकालना है टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम, टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम, ऊपर से रब कर दूं मैं पूरा डेरिवेशन जो की है इसी पेज पे करूंगा मैं. आप टाइम व्हेन बी इज मैक्सिमम डी बाय डी एक्स इज जीरो. हाँ, जब बी मैक्सिमम है, कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो. हाँ, कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका क्या कहते हैं, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो यानी डीबी बाय डीटी क्या हो जाएगा? जीरो है ना. डीबी बाय डीटी क्या हो जाएगा फॉर बी टू बी मैक्सिमम? सेकंड पार्ट निकाल रहा हूं मैं,
एक दो पॉइंट का थर्ड पॉइंट निकाल रहे हैं हम, ये हम कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी निकाल चुके हैं, अब बी मैक्स निकाल रहे हैं। बी मैक्स निकालने के लिए डीबी बाई डीटी विल बी इक्वल टू जीरो, और डीबी बाई डीटी मतलब क्या था, के वन ए माइनस के टू बी, यही था ना, दिस इज इक्वल टू यस सर। तो के वन ए इज इक्वल टू के टू बी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, के वन ए, ए की वैल्यू ए नॉट इक्वल माइनस के वन टी, के टू बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के वन ए नॉट के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी, ये आया। तो यहाँ पे के वन से के वन कैंसिल, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, के वन ए नॉट कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया, के टू माइनस के वन बाय के टू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर के वन माइनस के टू टी। देखने के बाद कोई गलती ना हुई हो, नहीं सर सही है। क्या क्या अब देखो, अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो वन माइनस के वन बाय के टू इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस के वन ई की पावर के वन, ई की पावर के वन माइनस के टू टी, वन से वन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वन माइनस कैंसिल हो गए, तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आगे ना डेरिवेशन वही मैंने जो फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में भी, यस सर। क्या आ गया, से नेचुरल लॉग ऑफ के वन बाय टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के वन बाय के टू, ये हट गया यहाँ से, के वन माइनस के टू टी, तो टी आ गया यहाँ से 2.303 बाय के वन माइनस के टू, जो भी बड़ा उसको के वन मानना, लॉग ऑफ के वन बाय के टू, फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं, ये आ गया टी मैक्सिमम। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं सर। तो ये हमने अब क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया और टी मैक्सिमम निकाल लिया। अब अगर बी मैक्सिमम निकालना है तो टी मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर देंगे, बोलो। यस सर, यस सर, इसी में ऊपर पुट कर रहा हूं मैं, बी मैक्सिमम अगर निकालना है, बी की वैल्यू मेरे को पता है, के वन ए नॉट बाय, एक बार चेक करना वैल्यू क्या थी बी की, के वन ए नॉट बाय के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी माइनस के टू टी। बी मैक्सिमम, सॉरी बी जो आया था हमारा वो आया था के वन ए नॉट बाय के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी, ये बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे टी की, टी मैक्सिमम पुट करेंगे बी मैक्सिमम के लिए, बी मैक्सिमम के लिए के वन ए नॉट ई की पावर, अब यहाँ पे ई की पावर माइनस के वन, और टी क्या है वन बाय के वन माइनस के टू, है कि नहीं, ये यस सर। टी मैक्सिमम पुट करना है अगर तो वन अपॉन में के वन माइनस के टू आएगा, नेचुरल लॉग के वन बाय के टू आएगा, नेचुरल लॉग के वन बाय के टू, ये आ गया। और ऐसे ही e की पावर माइनस के टू बाय के वन माइनस के टू आएगा, और नेचुरल लॉग के वन बाय के टू आएगा। कोई डाउट यहां तक, नो सर। अब अगर मैं इस पार्ट को ध्यान देना, अगर ऐसा लिखा है कुछ e की पावर टू नेचुरल लॉग ऑफ फोर, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ e की पावर नेचुरल लॉग फोर का स्क्वायर, और e की पावर नेचुरल लॉग यानी आंसर 3 बाय 4 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं है? यस सर। e की पावर नेचुरल लॉग मतलब e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 4 मतलब क्या है, 4 पता है ना ये? यस सर। तो अब मैं कुछ पार्ट को डायरेक्ट लिखूंगा, ऊपर वाले कुछ पार्ट को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, b मैक्सिमम इज इक्वल टू यहां पार्ट एज इट इज रहेगा, अब ये आ जाएगा माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए मैं इसको k2 by k1 लिख सकता हूं, k2 by k1 की पावर k1 by k1 minus k2, ये आएगा कि नहीं, k2 by k1 की पावर k1 by k1 minus k2, कोई डाउट? नो सर। माइनस इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, k1 by k2 की पावर k2 by k1 minus k2,
कोई डाउट? नहीं सर। ये आ गया बी मैक्सिमम। बी मैक्सिमम समझाया कैसे निकाला है, और डीसी बाई डीटी तो पता ही ना क्या होगा, के टू इंटू बी होगा कि नहीं है? यस सर। बी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, बी की वैल्यू निकाल ली है ना हमने? यस सर। अब उसके बाद डीसी इज इक्वल टू, जब वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी सी की, खुद कर लोगे कि नहीं है? यस सर। तो ये सीरीज और सीक्वेंशियल क्वेश्चन का मेन जो हमने डेरिवेशन थी वो कर ली है। किसी को पूछना कुछ इसमें? किसी को पूछना तो नहीं कुछ? नहीं सर। चलो अभी ये खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट अब है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन तीनों टॉपिक जो हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। शुरू से पढ़ते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देंगे, और प्रोडक्ट्स भी कुछ रिएक्ट करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जाएगी और वो क्या देंगे? रिएक्टेंट्स देंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जाएगी और वो क्या देंगे? रिएक्टेंट देंगे। हाँ, दोनों का रेट सेम नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन ये सही ना, रिवर्सिबल रिएक्शन ये। और दोनों का रेट कब सेम होता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, फॉरवर्ड रेट में, बैकवर्ड जब इक्विलिब्रियम में होगी तो दोनों का रेट सेम हो जाएगा। कोई डाउट जो मैंने लाइन बोली अभी? रिएक्शन इन विच नॉट ओनली रिएक्टेंट्स गिव्स द प्रोडक्ट बट ऑल्सो प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट, बट ऑल्सो प्रोडक्ट रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट। कोई डाउट? नो सर। तो अब वो नोट करेंगे। अब इसमें देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना? रिवर्सिबल रिएक्शन देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन मान लिया मैंने रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए गिव्स बी के वन की स्पीड से के टू की स्पीड से। ए जो है के वन की स्पीड से बी बना रहा है, बी जो है के टू की स्पीड से दोबारा ए भी बना रहा है। मान लो ए के 10 मोल खत्म हो रहे हैं तो बी के भी 4-5 मोल खत्म होकर ए बन रहा हो। कोई डाउट जो लाइन बोली है मैंने? दोनों की दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की मान रहे हैं हम। ए से बी भी फर्स्ट ऑर्डर है, बी से ए भी फर्स्ट ऑर्डर है। बोथ द रिएक्शन आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ए अगर 10 की स्पीड से खत्म हो रहा है तो बी भी 4 या 5 की स्पीड से खत्म होकर ए दे रहा है। तो इसमें मैं लिख रहा हूं रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, जैसे ये ए था, ए में से एक्स गया, बनेगा कितना एक्स माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए माइनस एक्स। के वन इंटू ए लिख दो पहले, के वन इंटू ए माइनस के टू इंटू बी। इस लाइन में किसी को तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो पहले। समझ आ गया कि नहीं है? नहीं है ना। और इन जनरल ये सबको पता है कि ये वाली जो टर्म्स हैं दीज आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है कि नहीं? डी एक्स बाई डी टी चेंज डी एक्स बाई डी टी है कि नहीं सबका? Yes, sir. चलो अब देखेंगे। मैंने ले लिया डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए, ए की वैल्यू क्या है ए माइनस एक्स, माइनस के टू बी, बी क्या है एक्स। कोई डाउट तो नहीं है? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ए चेंज नहीं करेगा ना, ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी जीरो लिखते हैं और एक्स को मान सकते हैं एक्स सी के इक्वल। यस सर। डी ए बाई डी टी टू जीरो, एक्स टू टू एक्स सी आ जाएगा। तो यहां से आ गया के वन, क्योंकि मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, वैल्यू ध्यान रखना, इधर मैं वैल्यू पुट करूंगा थोड़ी देर में अभी। के वन इंटू ए माइनस एक्स ई इज इक्वल टू के टू इंटू एक्स की। अब यहां से एक तो तुम कर सकते हो कि के टू की वैल्यू निकालो और वो इधर पुट कर दो, के टू की वैल्यू निकालो
और वो इधर पुट कर दो। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक चीज की और जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, यहाँ पे कॉमन ले सकता हूं मैं के वन एक्स सी है ये, तो एक्स सी कॉमन लिया तो बन जाएगा के टू, उधर के बन जाएगा के वन प्लस के टू और के वन ए, के वन ए, तो यहां से के वन प्लस के टू की वैल्यू आ गई के वन बाय के वन ए बाय एक्स सी। एक तो मैं ये वैल्यू यूज करूंगा आगे जाकर, और एक के टू की वैल्यू मैं अभी पुट कर रहा हूं ऊपर। कोई डाउट यहां तक? तो यहां पे आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए माइनस एक्स माइनस के टू की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, के वन ए माइनस एक्स ई, के वन ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाय एक्स ई इंटू एक्स है। देखो समझ आ गया इतना कि नहीं? मैंने ऊपर के टू की वैल्यू पुट किया अभी इधर से, चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ सकता है? अरे तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? ऋषि, अखिलेश, यस सर, कोई डाउट नहीं है सर, यस सर। मुकुल, नहीं है सर डाउट। अब देखो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ K1 a minus x था ना, K1 ही कॉमन आएगा ना सिर्फ, हाँ K1 कॉमन आ गया, ये आ गया a x e बड़े में a x e minus x x e, K1 तो कॉमन लिया हुआ है, minus a x plus x x e divided by x e जो था नीचे डिनोमिनेटर में वो यहाँ आ गया, तो यहाँ से minus x x e और plus x x e कैंसिल, तो a भी कॉमन आ जाएगा, के वन ए बाय एक्स सी आएगा माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर। अरे यहाँ तक नोट कर लिया सबने? हाँ सर। ऊपर की लाइन में कुछ रब कर रहा हूँ, इक्वेशन वन मेरे को चाहिए थी ना, वो चाहिए होगी, ऊपर की लाइंस मैंने कुछ रब कर दी है, जो मेरे को लाइन चाहिए वो रहने दी है। देखो अब यहाँ पे यहाँ पे आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए बाय एक्स ई, एक्स ई माइनस एक्स। कोई डाउट यहां तक? नहीं। ये आ गया। अब के वन ए बाय एक्स ई वैल्यू देखो, यहां से के वन ए बाय एक्स ई की वैल्यू क्या है, के वन प्लस के टू है कि नहीं? yes, तो ये आ गया माइनस डी ए बाई डी टी is equal to k1 plus k2 xc minus x। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के टाइप बन गया कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर का टाइप बन गया कि नहीं? ये d minus d by dt जो k into a minus x। यस सर। तो अब इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या आएगा? k1 plus k2 is equal to 2.303 by t log of xc upon में xc minus x। समझ आया सॉल्यूशन कि नहीं इसका? यस सर। ये मेन डेरिवेशन थी रिवर्सिबल रिलेशंस की। रिवर्सिबल रिलेशंस की मेन डेरिवेशन ये है। आज तक कभी भी डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आए हुए। मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया रिएक्शन दे दी रिवर्सिबल रिएक्शन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो मतलब डेरिवेशन कभी नहीं आएगी पूरी, एक छोटा सा पार्ट पूछ लेंगे उसका कि इसमें क्या हुआ है। वो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ। देखो अब yes, अब मान लो, हाँ ध्यान है किसको क्वेश्चन क्या था? यस सर, वो के फर्स्ट ऑर्डर का था कि बी सेकंड जीरो ऑर्डर का था, फिर रिलेशन बताना था। वो नहीं मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन क्या था, वो तो तू आगे का बता रहा है। अब इसमें मान लो अगर मैं ए से बी जो चल रही है रिएक्शन, के एफ है
के बी है, लेकिन इसमें अब मैं मान रहा हूँ कि ए से बी बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू और बी से ए बन रहा है जीरो ऑर्डर के थ्रू, यही रिएक्शन है। अभी मैंने पीछे में क्या माना था कि दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, अब मैं क्या मान रहा हूँ कि ए से बी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी से ए जो है वो बी से क्या है जीरो ऑर्डर। तो अब हाँ इसमें जब ए माइनस एक्स गया बना ये एक्स, अब एक्सप्रेशन क्या आएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन, के वन और के टू ही मानो ताकि लिखने में आसानी रहे, ये के वन है ये के टू है, के वन इंटू ए माइनस एक्स और माइनस के टू इंटू एक्स की पावर क्या आएगा जीरो। यस सर। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी जीरो हो जाएगा माइनस जीरो टू a1 a minus x e is equal to k2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं है? Yes sir. अब क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे इसकी अब k2 की? Yes sir. तो k2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए माइनस एक्स, के टू की वैल्यू क्या है के वन ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स है कि नहीं है? यस सर। तो यहां से सॉल्व करना क्या आ रहा है माइनस डी ए बाई डी टी, के वन कॉमन आ जाएगा kf is equal to 2.303 by t log x e by x e minus x, ये a minus x minus, एक बार चेक करना कि x तो नहीं आएगा नहीं वाला, ये x हटा दो, x तो था ही नहीं ना, x का जीरो था, ये तो x का जीरो था ना, kf कॉमन ले लिया a minus x minus a प्लस एक्स सी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो k1 आ गया ना ये फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म माइनस d1 बाय d2 k1 x e माइनस x, ये यहां पे ऊपर क्या आया था जब दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के थे तो k1 प्लस k2 दोनों आए थे, नहीं समझाई बात? yes, दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तो k1 प्लस k2 दोनों आए थे, अब बैकवर्ड रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो K2 हट गया कि नहीं? अब तो अब फॉर्मूला जो आएगा ना, अब वो ये फॉर्मूला आ जाएगा K1 इज इक्वल टू 1 बाय टी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई अपॉन में एक्स ई माइनस एक्स, आएगा कि नहीं फॉर्मूला ये सर? अगर यहाँ पे फर्स्ट और जीरो लॉग ऑफ कोई और आ जाए फिर ये भी नहीं आएगा मुकुल, फिर तो फिर लंबी चौड़ी डेरिवेशन हो जाएगी। हाँ, जो बता रहा हूँ इतना ही करना है सिर्फ, और अगर इसमें मैं कर दूं अगर बैकवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाए और फॉरवर्ड जीरो ऑर्डर की हो जाएगा तब क्या आएगा फॉर्मूला, तब के क्या आ जाएगा यहाँ पे के फट जाएगा, अब के बी आ जाएगा या फिर के टू आ जाएगा, के टू जीरो वन बाई टी नेचुरल ऑफ एक्स सी अपॉन में एक्स सी माइनस एक्स, आया समझ के नहीं है? डेरिवेशन समझ आ गई इसकी कि नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन की? चलो नेक्स्ट लिखना, एक क्वेश्चन करना है ध्यान से सोच के निकालना, तुम्हें निकालना है पैरेलल रिएक्शंस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, डिग्री ऑफ डिसीजन की पैरेलल रिएक्शंस के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, निकालेगा कोई पैरेलल रिएक्शंस में अल्फा की वैल्यू?
अगर मैं बात करूं कोई भी रिएक्शन है एक्स बाय ए इंटू 100 ही होता है अल्फा होता है कि नहीं है yes, sir. इसको मैं ये लिख सकता हूँ ध्यान देना ए नॉट माइनस ए टी अभी बताया ना ए डिकम्पोज लिखा था मैंने ए डिकम्पोज बाय ए नॉट नहीं ध्यान आया बाय ए नॉट इंटू 100 यही तो अल्फा है ए नॉट माइनस ए टी बाय ए नॉट ये अल्फा है कि नहीं yes, sir. तो ए टी को क्या लिखते हैं ए नॉट इक्वल माइनस के टी पैरेलल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं बाय में ए नॉट तो आगे ना माइनस इक्वल माइनस के टी नहीं समझ आई बात yes. तो पहले इलेक्शन से ये समझ आ गया कंसेप्ट की नहीं है ये मैंने उसमें रह गया था डाउट किसी को उसमें nice. किसी बच्चे को कोई डाउट अच्छा अब अगर ना ध्यान देना अगर पैरेलल रिएक्शंस के अंदर ना अगर पैरेलल रिएक्शंस में रिएक्शन ऐसे बन अभी तक मैंने क्वेश्चन आगे लिए थे प्रोडक्ट्स के अंदर अगर रिएक्टेंट में कोफिशिएंट आ जाए 2a गिव्स से 3b और यहाँ ले लेते हैं से यहाँ पे 5c और यहाँ k1 और यहाँ k2 अब तुमसे बोला मैंने कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ b और कंसंट्रेशन ऑफ c क्या हो निकाल सकते हो क्या कंसंट्रेशन ऑफ b और कंसंट्रेशन ऑफ c अब क्या होगा सर k के साथ कोफिशिएंट लगा देंगे दोबारा बोलना सर हम ऐसे ले सकते हैं कि a से 3 by 2 b बनेगा और 5 by 2 c बनेगा अच्छा रिएक्शन को चेंज ही कर देंगे यहां से निकाल के देखो सही बदल सकते हैं ओके सर सही है हां इससे निकाल के देखो उससे निकलता कि नहीं a से 3 by 2 और b से और a से 5 by 2 अगर मान लो इसमें मेरे को सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है और कोफिशिएंट ए का ना होता तो क्या आंसर आता तो तुम ये लिखते ना अभी पीछे किया हमने अगर तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है एंड देयर इज नो टू तो क्या आता था 3k1 बाय k1 प्लस k2 इनटू ए डिकम्पोज था कि नहीं याद है कि नहीं है ये था यस सर और सी क्या होता 5k2 by k1 plus k2 5k2 by k1 plus k2 into a decompose और अभी मैंने बोल दिया कि ये 2b है अभी ये 2b है तो क्या होगा सर नीचे k1 plus k2 सर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं इधर नहीं होगा कुछ भी इधर भी तो कुछ आएगा जो a decompose है पावर में जो k1 plus k2 होता है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत बहुत सही किसने बोला ये प्रथम बहुत अच्छे प्रथम तो इसको तुम चाहो तो इसकी डेरिवेशन कर सकते हो इसको कैसे सोचोगे इसे ये जो अभी प्रथम ने बोला ना यहाँ पे 2 आएगा एक तो दोनों जगह का यहाँ दोनों जगह 2 आएगा साथ में जो a डिकम्पोज में लिख रहा हूं इसमें जो है ना इसमें तुम्हारा a नॉट तो कॉमन आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 k1 प्लस k2 t प्रथम कैसे सोचा है तूने इनटू t है यहाँ पे देख लेना कॉर्नर पे तो आपने बताया था उसमें याद कर 1 माइनस e की पावर माइनस 2 k1 प्लस k2 इनटू t ये और आ जाएगा एक्स्ट्रा डेरिवेशन का करने का तरीका सिम वैसे ही करना डेरिवेशन रेट क्या होगा माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी रेट 1 क्या होगा प्लस 1/3 डी बी बाई डी टी रेट 2 क्या होगा 1/5 डी सी बाई डी टी ये तीन एक्सप्रेशन तो लिखना ही लिखना है रेट 1 रेट 2 और ये आ जाएगा अब इधर से a की वैल्यू निकाल लोगे इधर से a आ जाएगा कि नहीं yes, sir,
यहां से ए निकाल लोगे और फिर यहां पे ए निकलने के बाद बी निकलेगा यहां से बी और यहां से सी। ए कितना निकलेगा निकाल सकता कोई? ए कितना आएगा? बोलो क्या आएगा? देखो उधर, देखो माइनस वन बाय टू रेट है। रेट क्या है? रेट होगा हमारा के वन प्लस के टू इंटू ए। ये लाइन लिख रहा हूं इसी चीज को देखकर, इसको देख करके मैं लिख रहा हूं माइनस वन बाय टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोई डाउट किसी को? यहां से आ गया, हाँ तो ये आ गया माइनस डी ए बाई ए। ए हमारा ए नॉट से ए जाएगा और ये आ गया टू के वन प्लस के टू डी टी जीरो से टी। तो यहां से क्या गया नेचुरल लॉग ऑफ, अब क्या आ जाएगा यहां से पूरा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए आएगा पहले इज इक्वल टू टू के वन प्लस के टू इंटू टी आएगा। तो ए जुड़ क्या आ जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस टू के वन प्लस के टू इंटू टी। एक चीज बता दी मैंने कि नहीं है? यस सर। ये आ गया पार्ट। अब ऐसे ही तुम क्या बी नहीं डाल पाओगे इसमें? रेट वन क्या होगा? रेट वन क्या होगा बोलो? वन बाय थ्री डीबी बाई डी टी किसके इक्वल होगा? K1 into A? Yes, sir. एक ये छोड़ दो एक्सप्रेशन प्री जॉइन। किसी कोई क्लास वगैरह तो नहीं है कल? सर स्कूल ही होती है बस। हाँ स्कूल होती है बस सर 8 बजे। स्कूल है क्या सैटरडे का कल? हाँ सर मेरी सैटरडे भी होती है। तन्ने होमवर्क दे रखा है। कितने बजे तक स्कूल है? चलो कुछ नहीं फिर यहाँ तक कर लो, यहाँ तक कर लो कल। अच्छा कल क्लास तो मैं 99% है कल क्लास होगी, तो इसके ये पढ़ जरूर लेना, न्यूमेरिकल्स करेंगे बस आगे करेंगे, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, सही ना? सर यहाँ पे बोलो बोलो सर, रिएक्शन हाफ करके भी सेम ही।